बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक बड़ी खबर या आम सी खबर तो यह है कि राना सनाउल्लाह की मुंशियात के केस में अदालत से बरियत हो गई है। बड़ा ये कितना जुल्म था। मैं कहता हूँ कि इमरान खान साहब के दौर में जो जुल्म बर्बरियत का दौर ही कहलाएगा। और वो फरमाते हैं कि हमने तो कोई सियासी केस बनाया ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हर चीज़ को गाल देते हैं कि जी जनाब बाजवा कर रहा था, उसके लवाहिकीन कर रहे थे। और यही इमरान खान साहब था जिन्होंने अमेरिका में हर जगह लहरा लहरा के कहा था कि मुझे चीन जैसे इख्तियार चाहिए, मुझे सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान जैसे इख्तियार चाहिए ताकि मैं अच्छी तरह लोगों को डायरेक्ट फांसी पर लटका सकूं। और उन्होंने कहा था कि अमेरिका में फरमाया शायद खाकान अब्बासी को मैं जेल में डालूंगा और इनके मैं एसी उतरवाऊंगा कमरों से। ये जो रूहनत थी मैं तभी के दहल गया था। और मैं हकीकत है मुझे तब से एक वहमा था, वहमा नहीं बल्कि यकीन था कि इमरान खान साहब जो है अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ होती है और तकदीर के अपने तकाजे हैं, कानून फितरत है। इस रौनत के साथ और इस तरह इंसान जो अपने आप को ज़मीन पे खुदा समझना शुरू कर दे उनका अंजाम बहुत बुरा होता है। मैं कई तारीख के वाक़ जब देखता था उस तनाजुर में तो दहल जाता था। बहरहाल ये भी हमारा थोड़ा सा मौजू ये भी है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब जो है उनके ऊपर जो जुल्म हुआ है, गर्मियों में गिरफ्तार किया गया, फिर टीन की छत के नीचे, मैं उस ज़माने में उनकी बीवी बेगम साहबा से मेरी बातचीत होती रहती थी, वो बेचारी जिस तरीके से कोर्ट्स में आती थी, बड़ी जुर्तमंद खातून, बड़ी हिम्मत वाली। और यकीन आने के राना सनाउल्लाह पता था कि किस तरीके से उनको जो है कॉन्कॉक्टेड केस के अंदर किया गया, एक मफूला बना के और झूठा जाली केस बनाया गया। उन्होंने बड़ी हिम्मत से जाफचानी से जेल काटी और फिर दिसंबर के आखिर में 6 माह के बाद जो है उनको रिहाई हुई। क्योंकि वो कहते हैं ना व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो आपने किया होता है उसका भरना पड़ता है। इमरान खान साहब को हर मद के अंदर कुछ ना कुछ मिलेगा। जो कोई नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ है, गो मैं इमरान खान साहब के साथ मुतफिक हूँ कि इमरान खान ने तो सिर्फ उसमें अपनी जो है हिस्सा डाला है। उसमें उन्हें देखा कि जब एक पूरा इदारा लगा हुआ है नवाज शरीफ को सियासत बैर करने के लिए तो वो भी कमर कस के अंदर आ गए। बस इमरान खान साहब बहुत कुछ आप लोगों ने किया है उसका भरना पड़ेगा। अब दो तीन चार चीज़ें और भी थोड़ी सी इनकॉर्पोरेट करते हैं। इमरान खान साहब की सियासत जो है मैं जब देखता हूँ कि वो बिल्कुल इस वक्त सियासी तौर पर अपनी पार्टी में अकेले रह गए हैं। अभी तो उनको जो सरप्राइज़ मिलना है वो पंजाब से मिलना है, क्योंकि जो जिस तरीके से बैक चैनल जो है जोड़ तोड़ हो रहे हैं तो उनको बड़ा सरप्राइज प्रवेश लाई जो है, जिस तरह उन्होंने पीडीएम की क्यादत और पीएस पार्टी की क्यादत को सरप्राइज दिया था, इसी तरीके से परवेज इलाही जो है इनको भी सरप्राइज देने के लिए तैयार है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन उससे पहले जो है तहरीक इंसाफ के अंदर की सूरत हाल, अंदर की सूरत हाल यह है कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का इंटरव्यू जो आज रात को तस्लीम साफी के साथ है वो नशर होगा, उसमें उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है जी कि इमरान खान साहब को जो फौज से लड़वाने वाले जो लोग हैं वो अपने अंदर के लोग हैं, वो लोग हैं जो इस आस पे बैठे हैं कि इमरान खान साहब को जब पार्टी की क्यादत से अलहदा किया जाएगा तो क्यादत उनके हिस्से में आएगी। वहाँ कंपटीशन ये है कि इमरान खान साहब की सियासी मौत के बाद, मैं दोबारा कहूँ सियासी मौत के बाद, तख्त पे कौन बिठाएगा, कौन बैठने नसीब होगा। और ये बात जब मुझे फैसल वाडा से पिछले दिनों इस्लामाबाद में मुलाकात हुई थी उसमें ये कहा, तो उन्होंने कहा जी हालांकि फैसल वाडा फौज के बड़ा एक करीबी हलकों में था, इमरान खान साहब इन लोगों को जो बहुत अहमियत दे रखी थी, खुर्रम रोखड़ी साहब को, फैसल वाडा को और सारे लोगों को जिनके फौज से रबते बहुत ही करीबी थे, और इसको वो बड़ा उन्होंने अपने हक में इस्तेमाल किया। उन्होंने बाद में बताया कि हजूर ये जो लोग लड़वा रहे हैं इसमें हो सकता है कि फौज जो है वो लड़ाई कोई और किस्म की लड़े और आपके साथ बड़े अमन अमान से अलग इख्तियार करे, लेकिन ये लोग जो आपको सख्ती से लड़वा रहे हैं ये चाहते हैं कि लड़ाई इस सिमत में चली जाए कि फौज अपने आप को आपके सामने इनसिक्योर महसूस करे और अपने समझे कि आपने इदारे के ऊपर एक हमला किया है, उसको उसी तरीके से ले। अब सूरत हाल यह है कि इमरान खान साहब जो हैं पार्टी के अंदर जितने लोग हैं वो जो टॉप के लोग हैं जो इमरान साहब तक जिनको रसाई है, बाकी लोग जेन्युइन सिंसियर उनकी रसाई नहीं है, वो मिलते हैं तो एक रस्मी मुलाकात होती है, फॉर्मल मुलाकात होती है आधा घंटा 15 मिनट 1 घंटे की, लेकिन जो बिल्कुल 24 घंटे इमरान खान साहब जिनमें घिरे हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं जो तहरीक इंसाफ के अंदर हैं जो जिनको फैसल वाडा 3 शाम कहता है। अब मुझे तो हैरत होती है कि सदर अलवी साहब भी उनके साथ जो है मुलवस है कि वो इमरान खान साहब को, बल्कि जब उन्हें खेलना था अलवी साहब के साथ मिलकर
एक आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के खिलाफ, तो उनको सबसे ज्यादा सरप्राइज दिया अलवी साहब ने। उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा जनाब दस्तखत करें, मुझे इजाजत है मैं दस्तखत करूं, क्योंकि हमारे हद में कुछ ही बचेगा, यही है कि इज्जत सादात पूरी की पूरी जा रही है, इसको महफूज करें और किसी तरीके से आगे बढ़े। बारह इमरान खान साहब बेचारे बहुत ही उनको पुटा हुए, उनको बड़े दिल शिकस्त हुए कि अलवी साहब ने, और वो उनको तहरीक इंसाफ के अंदर अकेले, यानी कि जमान पार्क में अपनी सियासी जमात में वो बिल्कुल अकेले खड़े हैं और जो कुछ करना है उनको अपनी सोच जितनी उनकी है उसके मुताबिक अमल करना है। मुनस सलाई साहब बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं। मैं एक बात बता दूं कि मुनस सलाई साहब चूरी खाने वाले मजनू है, वो एक गैर मरीज ताकतें जो आज भी जो है ना खामोश बैठी है ना किसी कोने खुदरों में छुपी है, वो अभी तक एक्टिव है। वो हर दूसरे तीसरे दिन अपनी मौजूदगी का कोई ना कोई अपने वजूद का एहसास दिलवाती रहती है। तो मुनस सलाई साहब चूरी खाने वाले मजनू हैं, उन्होंने उनको पता नहीं है कि उधर से जब बाजू मरोड़ा गया तो बाप बेटा दोनों जो है मुद्दत होकर वहां पहुंच जाएंगे। ये जरूर है कि मैंने कई दफा कहा है कि मुनस सलाई साहब एक ओवर एम्बिशियस है, उनका ख्याल है तरीके साहब स्पेस बन रही है, ये उनके अंदर एक खाम ख्याली है, एक बेवकूफी है। तहरीक इंसाफ के अंदर मुनस सलाई साहब की स्पेस किसी जगह पे भी नहीं है। हाँ ये जरूर है कि इमरान खान साहब फर्ज किया कि उनकी सियासत खत्म हो जाती है, इमरान खान साहब के काबू में पार्टी नहीं रहती और जो उसके बाद आने वाले लोग हैं शायद मुनस सलाई साहब उनकी जरूरत हो। इमरान साहब दिल की गहराइयों से ये समझते हैं कि चौधरी खानदान जो है वो इंतहाई करप्ट है, चोर है, डाकू है, ये नहीं कि उन्होंने भरमला जा किया है, वो दिल की गहराइयों से समझते हैं। वो तो मेरा ख्याल में इक्तदार में भी वो साथ थे तो उनको उनके साथ हाथ मिलाने के रवादार नहीं थे। ये बात परवेज लाई साहब ने स्पीकर पंजाब असेंबली होते हुए और मुनस सलाई साहब उनकी हुकूमत के तहत ही होते हुए दोनों के इंटरव्यू लोगों ने देखे, बार बार देखे हैं। ये तो बाजवा साहब नौ थे, अब पता चल रहा है तो नैब जो है इनको इन्हीं ओहदों के साथ गिरफ्तार करने के लिए फिर रही थी और गिरफ्तार करने को थी। वो तो बाजवा साहब ने इनके केसेस खत्म कराए तो उनके बारे में वो अच्छे जज्बात रखते हैं बाजवा साहब के बारे में। एक बात तयशुदा है कि पंजाब के अंदर से जो हवाओं का रुख तब्दील हो सकता है, बल्कि तकरीबन समझे हो जाएगा। इसका मतलब है कि इमरान खान साहब जो असेंबली डिसॉल्व करना पसंद फरमाएंगे, अगर उनके दिल में ये ख्याल आया और डट गए तो पंजाब से उनको मायूसी होगी कि परवेज लाई साहब जो है ऑलरेडी उन्होंने इतनी बात कर ली होगी कि अगर इमरान खान साहब ने असेंबली तहलील ना की तो परवेज लाई साहब और मुनस सलाई साहब डट के खड़े हैं उस कप्तान के साथ के जो डट के खड़ा है इमरान खान। तो जिस तरीके से उन्होंने FIR नहीं दर्ज होने दी इमरान खान साहब की सारी ख्वाहिशों के बावजूद, और इमरान खान साहब के हुजरे से अभी चंद हफ्ते पहले कातलाना हमले के बाद जो गालम गलोच, जो दशनाम तराजी इनके खिलाफ तहरीक इंसाफ से, बल्कि उससे पहले भी जब इतदार संभाला तो तहरीक इंसाफ का आम कारकुन बहुत नाला है, उनको पंजाब के अंदर बहुत सुबकी हो रही है, बहुत सारी जगहों पे उनके मसाइल हल नहीं हो रहे हैं बल्कि उनको खराब किया जा रहा है। और सारे मसले जो फंड्स है वो चौधरी लाई साहब तरीके से अपने ही हल्कों में और अपने ही नुमाया हल्कों में डाइवर्ट करते जा रहे हैं, वादे वो सबको कर रहे हैं। तो ये सारी बातें इमरान खान साहब के नोटिस में हैं और ये एक मजबूरी की शादी है जिसने मजबूरी के साथ चलना है। अगर इमरान खान साहब ने असेंबली तहलील करने की एक ख्वाहिश रखी या एक उन्होंने करने की आखिरी फैसला किया तो यहां से नाकामी होगी। KP से बैरिस्टर साहब जिसका तहरीक साहब का वो आजकल तर्जमान बना फिर रहा है, ये हालात भी आने थे तहरीक साहब पे कि बैरिस्टर साहब जो परवेज मुशर्रफ का और वहां से 6 साल MBM के खाते में वहां सेंटर बना रहा है, वो फरमाते हैं कि पंजाब असेंबली तहरीर नहीं हुई तो KP में हमारे अंदर बहुत इख्तलाफात पाए जाते हैं और उनका कोई फायदा नहीं हो, बढ़ चढ़ के कह रहे हैं। और इस तरह ये इमरान खान साहब के बात की तकरीबन एक टेक्निकल तरीके से नफी है। सियासत का ये हिस्सा तो इमरान खान साहब के रास्ते मसदूद हो गए हैं। इससे पहले कल ही बताया है कि इमरान खान साहब ने जितनी हिकमत अमली इख्तियार की, चाहे उनकी लॉन्ग मार्च थी 25 मई की, चाहे उसके बाद की कई हिकमत अमलियां थी, चाहे उसके बाद 26 नवंबर की हिकमत अमली थी, और असेंबली के बारे में बता दिया कि जी उनका जो नारा है वो गीदर भपकी है, राणा सनोल्ला साहब वगैरह कल परसों से उकसा रहे हैं कि आप करें तहलील, उनको पता चल गया है कि तहलील होने वाला काम जो है पक्का करवा लिया। उन्होंने जरदारी साहब मिले हैं जो मैंने आपको बता दिया
कि जरदारी साहब ने शुजा साहब के जरिए ये पैगाम भिजवाया है कि आप इमरान खान साहब के रहें, साथ रहें, अगर वो असेंबली चलाते हैं, अगर असेंबली तहलील करें तो आप जो है तहलील नहीं करेंगे। यही बात सरदारी साहब ने की होगी और यही बात उनको शायद इदारों के अंदर से तरीके से पैगाम भी पहुँचवा दिया होगा कि ये नापसंदीदा हरकत है। और मुनसलाई की बात जो है ना उसको आप जो मैं इस नाज़रीन से गुजारिश करूंगा कि संजीदगी सना लें। अब उसके बाद जब आता है कि जब आपकी सारे जी हुकूमत मिली है वो ज़मीन बेहोश हो गई है तो इमरान खान साहब को सेस्टा पे बहुत सोफ पहुंचा, लेकिन उससे ज़्यादा जो है उनके केसेस हैं। मैं हकीकत बता दूं कि इमरान खान साहब ने जो केसेस बनाए थे राणा सनवाला साहब समेत जितने लोगों के खिलाफ बने थे वो एक इंतहाई जुल्म और बर्बरियत के ऊपर थे, और एक जिसको कहना चाहिए कि कितना अरसा चले इवन फील्ड के ऊपर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कितना अरसा चला। कभी मुसी ने वहां भी माफी मांगी, डेली मिरर ने माफी मांगी, एनसीए के अंदर इन्होंने यही केसेस ब्रिटेन नेशनल क्राइम एजेंसी यूके को भेजे, वहां से इनको माफी, वहां पे उन्होंने क्लीन चिट दे दी, उन्होंने 3 साल खंगाला, ग्रिल किया उनके अकाउंट सीज करके, क्योंकि वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग बहुत बड़ा जुर्म है। यही जो इन्होंने कहा मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है इन्होंने और इन्होंने कराए एक इलगॉटर मनी है। अब उनका ख्याल था कि किसी ने किसी के हो सकता है कोई लैप्स हो गया हो, कोई कमजोरी रह गई और वो पकड़े जाए। रही सही कसर ब्रॉडशीट वाले जो थे कवि मुसी, उन्होंने एवन फील्ड का बता दिया कि जी अटैच किया। अदालत का फैसला है कि एवन फील्ड डिपार्टमेंट जो है ना वो किसी गलत पैसे से नहीं लिए गए। उसके मुकाबले में रियाज मलिक साहब को अपने तौर पर उन्हें पकड़ा, उसके सारी प्रॉपर्टी में बेची 190 मिलियन पाउंड की जो पाकिस्तान में दी इन्होंने अलकादर ट्रस्ट में 458 कनाल जमीन और कुछ कहते हैं कुछ 100 कनाल जमीन बनीगाला में और बेशुमार चीजें जो रियाज मलिक के थ्रू आई इन्होंने उसको 109 मिलियन पाउंड यानी कि $250 मिलियन उस वक्त इन्होंने रियाज मलिक के हाथ में पकड़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट तमाशा घर लगा हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे एडजस्ट कर लिया। अब इमरान खान साहब के जो केसेज हैं वो सारे ओपन एंड शट के सिद्ध हो सकते हैं कि तोशाखाना में जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि मनी ट्रेल भी पूछी जाएगी कि आपने जो 2 करोड़ दिए या 5 करोड़ दिए वो कहां से दिए, वो अगर शो हो जाता है तो फिर अगर वहां से सबूत आ गए कि आपने ये तोहफा जो है 2 मिलियन यानी कि 28-30 करोड़ रुपए का बेचा है $2 मिलियन का, तो ये उसके ऊपर आपने जो 2 करोड़ 28 करोड़ में 26 करोड़ रुपए के ऊपर टैक्स एवेट किया, आपने कितना टैक्स दिया है, कंसीलमेंट ऑफ फंड्स है, आपने टैक्स चुराया है, फिर वो अगर दुबई से आए तो किस तरीके से आए, जहाज में कैश आया है, क्योंकि जो पैसे थे उन्होंने कहा हमने इनको 7.5 मिलियन दिरहम जो है कैश में दिए थे, उमर फारूक जरूर कहता है। जाहिर है उमर फारूक जरूर तो सामने का बंदा है, जिसे दिए उसने दो इनको कैश दिया है और ये जहाज में जो लेके आए। जुल्फी साहब ये कह चुके हैं कि जो घड़िए थी मुझसे फिर फरा ने वापस ले ली, चुनाचे जाहिर है कि जुल्फी भी वहां पे बेचने गए या उनको पता करते रहे, उन्होंने कहा जी कि ग्राफ की घड़ी की दुकान पे हो गए, उन्होंने कहा जी कितने की घड़ी खरीदोगे, तो और जो दुबई में इंक्वायरी उन्होंने क्या ही उन्होंने खरीदी और ना उसको बेची, और फिर उन्होंने जिनको बेची वो भी सारी चीज सामने आ गई, तो वो पैसा जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग है तो वो एक और जुर्म है। फिर एक रसीद जो थी शफीक साहब कहते हैं जिनके नाम की रसीद थी, वो कहते हैं मेरे दस्तखत ही नहीं है, जाली दस्तखत है, कच्चे कागजी रसीद है, यानी कि 5 करोड़ की चीजें आप कह रहे हैं इस्लामाबाद की दुकान में बेच रहे हैं, जिसका जब तहकीक की गई मुख्तलिफ अखबारों के रिपोर्टर्स और टीवी और टेलीविजन के रिपोर्टर्स ने तो पता चला कि उसके तो अकाउंट में 25-30 लाख से ज्यादा की कभी ट्रांजेक्शन हुई है पूरा साल मिला जुला के, एक नहीं के 25-30 लाख से ज्यादा की पूरे साल, 28-30 लाख से ज्यादा या पता नहीं एक साल शायद 1 करोड़ की ट्रांजेक्शन हुई है पूरे साल, वहां से 5 करोड़ की रसीद दी, उसे कह दिया जाली है। अब ये इमरान खान साहब फोर्ड सीध अगर जमा कराई है उन्होंने हर जगह पे जाके वेल्थ टैक्स के साथ, तो फिर देख लें। अब उससे कंपैरिजन करें कि जो मरी नवाज के कैलेबरी फोन था और ये जाली रसीद थी, तो दोनों का कंपैरिजन कर दें, उसमें तो अदालत ने कह दिया कि वो फ्रिवलस किस्म का चार्ज था, इधर फेंक दिया। फिर उसके बाद सबसे जो बुनियादी सवाल आएगा उसके बाद वो आएगा कि आपने जो अप्रेजल कराई थी 10 करोड़ की, जबकि इसके बारे में ग्राफ वाले कह रहे हैं कि जी 15-16-17 मिलियन डॉलर का वो घड़ी और वो जो कफलिंग्स और वो पेन वगैरह का सेट था, उसमें अंदर हीरे इतने लगे हुए थे कि उनको खाली हीरो की मालियत इतनी थी जो बनती थी। तो ये सारी चीजें आएंगी कि जी अप्रेजल किसने की, उसकी तहकीकात, तो लंबा चौड़ा केस है। फिर 250 मिलियन
पॉइंट जिसका जिक्र किया, ये भी ओपन शट है। इसके अंदर से एक कबात है कि इसके अंदर जो एक फ्रीक है उसका नाम है रियाज मलिक। रियाज मलिक फिर चूंकि हमारी एस्टेब्लिशमेंट का चहते है, तो पता नहीं है इस हुकूमत के पास इतने गट्स हैं कि रियाज मलिक को, ये नाम तो ले रहे हैं उसके पैसे का, बार बार ले रहे हैं, लेकिन गट्स हैं कि रियाज मलिक को जाकर कटहरे में लाएं। नैब ने नोटिस दिए हैं, लेकिन ये नैब को कानून अगर तब्दील ना करवाते, जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि तब्दील करवाते, मैं तो कहता हूं अभी भी वो कानून साजी तब्दील करके पुराना कानून करें और इंक्वायरी की स्टेज के ऊपर इन सबको पकड़ें और इनको 90 दिन के रिमांड के अंदर अंदर रखें और उसके बाद तहकीकात करते रहें और फिर केस को चलें और फिर JT बने और ये बताए कि ये वो पैसे जो है इन्होंने किस कानून के तहत दिए और कैबिनेट को बताना होगा कि जी उनको नहीं बताया गया, वगरना कैबिनेट भी शरीके जुर्म है अगर उन्होंने साथ ये उसके अंदर उसका डोर्स किया गैर कानूनी काम को। तो मेरा ख्याल है कि इसमें भी इमरान खान साहब को के लिए जो है हालात जो हैं उनके रास्ते जो है वो बिल्कुल बंद मिलेंगे उनको अगले 2-3 महीनों में। एक तो ना उनकी सियासत के अंदर अब गुंजाइश रही है कि उसको किस नहज पे चलाएंगे, इतना सिर्फ कर सकते हैं कि अपने जो हार्ड को डाई हार्ड जो वर्कर्स हैं उनको साथ जेल करके रख सकते हैं अपनी, कि जैसे उन्होंने कहा जी मैं 6 दिन बाद आ रहा हूँ, 25 मई को कहा था, मैं 26 मई को कहा मैं असेंबली डिजॉल्व कर रहा हूँ, अब कह देंगे कि मैं असेंबली डिजॉल्व नहीं करते हम कौमी मफाद में, और फिर जब असेंबली में वापस आएंगे जो इस्तीफे उन्होंने दिए हुए हैं, तो फिर जाहिर है कि सिर्फ उनकी सियासत जो है वो बहुत उसमें कमी आएगी और उनको नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचा हुआ है। ये उसका अंदाज़ा उसको तब होगा जब वो खुद भी नाइल होंगे और फिर उनको ऐसा बंदा बनाना पड़ेगा जो उनकी पॉलिसीज का बोझ लेके आगे नहीं चलेगा। ये बिल्कुल वो हेड होंगे इमरान खान साहब पीछे से रहनुमा नवाज शरीफ साहब की तरह, लेकिन वहाँ पे पॉलिसी वही चल रही होगी जो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी या जो वो रिक्रूटमेंट की पॉलिसी करेगी इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो ये सूरत हाल है, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की भी उनके राणा सरावला की जहाँ बरियत हुई है वो इमरान खान साहब के लिए जो सियासी रास्ते हैं, मैंने बताया कि उनकी हिकमत अमली जो थी सियासी वो बुरी तरह पिट गई है और उनके जो केसेस हैं वो बज़ाहिर बहुत ही मजबूत लगते हैं। इंशाअल्लाह इमरान खान साहब को फ्री एंड फेयर ट्रायल मिलेगा, हर सूरत में मिलना चाहिए। जहाँ तक मुझे नज़र आता है कि इमरान खान साहब की सियासत जो है वो एक लंबे अरसे के लिए उनको अमलन सियासत से बेदखल रहेंगे और फिर जब वक्त आता है तो कहते ना कल किसी ने देखी है। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी सियासत उनको 2011 में नसीब हुई थी, उन्होंने अपनी गलत हिकमत अमली से 2012 में उसको ज़ाया कर दिया और फिर उनको बहुत बड़ी उससे भी कई ज़्यादा बड़ी सियासत 2022 में मिली थी। मेरा ख्याल है 2023 में मुझे डर ही है कि वो अपने इख्तितामी अंजाम पर पहुँचने को है। वमा अलैना इल्ला अल-बलाग।